चलता रहेगा, सदैव चलता रहेगा, अंतहीन चलता रहेगा। थोड़े दिन बाद यहां से तुमको रुखसत होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर यही जुगाड़ करना पड़ेगा। केजी में जाओगे, कान पकड़े जाओगे, रात करो अच्छी तरीके से, और फिर कोई उंगली पकड़ चलाएगा, उसके बाद जो है तुम्हारे पढ़ाई होगी, स्कूल जाएगा, नौकरी होगी, फिर छोकरी होगी, सब होएगा, ये सब वही कवई तक कर चलेगा। और सबसे अटैच हो जाओगे, भगवान आपकी बड़ी कृपा है, हमारे छोड़ कृपा हो, अब छुड़ाते हैं तुमको, सब छुड़ा देंगे तुमको, जैसे अकेले आए अकेले जाओगे, और अकेले चले जाओगे फिर नया चैप्टर चालू होगा, फिर वहीं से पे स्कूल में जा रहे हो। व्यक्ति रहोगे तो ये कहानी चलेगी। चलो अगर सही में व्यक्ति है तो हम स्वीकार कर लेते हैं ना। यहां पे हमारे ऐसे कोई संत लोग हैं, मुनिषी लोग हैं, जो हमको विचित्र बात बता देते हैं, और सही है वो। कोई भी व्यक्ति मूल रूप से असुरक्षित होता है, कोई व्यक्ति अपने जन्म मरण को स्वीकार नहीं करता है। अच्छा, डर क्यों लगता है? क्यों सुरक्षा करते हो, क्यों व्यवस्था करते हो अपनी? क्योंकि तुम्हारी क्षुद्रता, तुम्हारी परिच्छिन्नता, तुम्हारी संकुचिता अस्वाभाविक है, कांटे की तरीके से है। आंख में धूल का कण भी आ जाता है तो बेचैन होते हैं, जब तक निकालते नहीं तब तक शांत नहीं रहेंगे। कांटा घुस जाए या तो निकलेगा नहीं, आप स्वस्थ नहीं रहोगे। और यहां पे तो कितने अनंत आप हो, आप छोटा मान के बैठ रहे हो। जैसे यह है कि हम तो अच्छे भिखारी हैं, तुम तो बेकार भिखारी हो। हम तो अच्छे रोगी हैं, तुम तो बेकार रोगी हो यार। तुम हम एसी वाले रोगी हैं, तुम तो जनरल वार्ड वाले रोगी हो। बस यही फर्क पड़ रहा है। हम भी रोगी हैं, हम भी भिखारी हैं, हम भी छोटे हैं, बस मूछें थोड़ी ऊपर रख ली हैं, तुमसे अच्छे हैं। क्या यही प्रोग्रेस है? तो यहां बोलते हैं नहीं भैया, ये सर तो उस जगह नहीं झुकेगा। अगर तुम अपने आप को अभी भी व्यक्ति देख रहे हो, बोलते हैं बोल भगवान बड़ी कृपा रही है और हम तो अच्छे व्यक्ति रहे हैं, ज्यादा मुंह मत खुलवाना हमारा, नहीं तो हम बोलेंगे तुम बुद्धू हो। तुम बच्चे हो अभी, इसीलिए अनेकों जो है महात्मा लोग बोलते हैं आओ बच्चा कैसा है बच्चा, बोलते रहे महाराज जी बाल सफेद हो गए अभी, आप बच्चा कह रहे हैं, बोलते अंदर से तुम बच्चे ही हो अभी भी, तुम नहीं बदले हो। जो दिख रहा है उसी को सत्य समझते हो, दिख रहा है इसमें कोई शंका नहीं है। अभिव्यक्ति होती है जीव की, लहर उत्पन्न होती है, लेकिन यहां पे सागर में लहर उत्पन्न हुई, इस दुनिया में एक जीव उत्पन्न हुआ, जस्ट बिकॉज उत्पन्न हो गया तो आप इसी को सत्य मानो, ये किसने बोला है आपसे? आप इसी लहर को देखते देखते उसको आप जल नहीं देख सकते हो क्या? क्यों उस आकृति, उस रूप को आप महत्व दे रहे हो और उसके तत्व की उपेक्षा कर रहे हो आप? अगर उस ही लहर के आप तत्व को देखिए तो आप अखंड जल राशि देखिएगा, जिसका कोई जन्म नहीं होता है, कोई मरण नहीं होता है। आप जल को देखो और अपना परिचय दो जरा। नदी को देखते समय आप जल के ऊपर नजरें डालो, क्या कोई जन्म मरण की कहानी बताओगे आप? क्या किसी के आवागमन की कहानी बताएंगे आप? वो तो सदैव था, लहरें आती हैं जाती हैं और सब उसी के अंदर खेल रही हैं। तो ये अभिव्यक्तियां आवागमन वाली होती हैं, इनका स्वभाव रहता है, लेकिन मूल तत्व वो देखो अविनाशी है, अनंत है, अखंड है। आपका जीवन दरअसल इस प्रकार का होना चाहिए था कि आपको यहां पे निर्भीकता हो, निश्चिंतता हो, किसी भी प्रकार की सुरक्षा ना हो और कोई परायापना ना हो। लेकिन जीव समझने के उपरांत ये सब चीजें प्रयास जनित हो जाती हैं। आप तो मान ही बैठे कि आप जीव हैं,
इसीलिए भाई हमारे जो गुरु जी हैं दक्षिणा मूर्ति भगवान, वो तो कुछ और ही करते हैं। तो क्या करते हैं महाराज? बोलते हैं वो हमारे गुरुदेव ऐसे ज्ञान से युक्त हैं जहां उन्होंने अपनी समस्त संकुचिता खत्म कर दी है। और दूसरे की संकुचिता की चिंता मत करो, क्योंकि दूसरे का अस्तित्व तो आपके जीवत्व पे आश्रित होता है, अपने जीवत्व। ये जो एक सोच है, ये निश्चय है कि हम जीवे हैं जिन्होंने अपने जीवत्व को समाप्त कर दिया है, रियलाइज कर लिया है, अनुभव कर लिया, जितनी स्पष्टता से हम और आप अनुभव करते हैं कि हम एक जीव हैं, कोई शंका नहीं होती है। रात को सपना भी देखते हैं, जीव होके देखते हैं। कभी सपना देखते हो कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो? वो तो सपना तक नहीं आता यार। असलियत तो छोड़ो, वहां पे भी जो है सपने में भी एक अच्छा जीव होता है। और फिर उसके बाद गुरु जी आज तो हम लोग गए थे तीर्थ पे, तो जीव होने के बाद तीर्थ पे भी चले जाते हो, और जो रेगुलर कैंप में नहीं आ पाते